presentation ka topic hai drugs and alcohol abuse, human health and disease part 11. Class 12 biology ke complete notes ko purchase karne ke liye aap humse is email id ke through contact karein aur details description box mein available hai. Agar aap hamare channel pe naye hain to hamare channel ko subscribe kijiye और लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा. और बहुत से व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आप सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. तो सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, ड्रग अब्यूज़ का मतलब क्या होता है. तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये मेडिसिन में यूज़ होती हैं, पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है. अगर किसी कंडीशन से ये पेशेंट गुजर रहा है तो ये ड्रग्स हम उनको देते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में देते हैं. लेकिन उसके अलावा जब किसी मेडिकल पर्पस के बियॉन्ड अगर कोई पर्सन इन ड्रग्स को यूज़ करता है और यह ड्रग्स फिर उसकी बॉडी में किसी तरह का फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कॉज करता है, कुछ हानि कॉज करता है बॉडी में, तो उसे हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं. यानी कि जब हम अननेसेसरी उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस को हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं. जिन ड्रग्स की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं उन ड्रग्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स. इन्हें हम हेलुसिनोजेंस भी कहते हैं. साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? ये ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं, या तो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी या ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देंगी. तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, ये क्या होते हैं, ये ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देंगे, सूदिंग इफेक्ट लाएंगे ब्रेन के ऊपर. फिर ये स्टिमुलेंट्स, ये स्टिमुलेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स होती हैं. तो ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन की एक्टिविटी को ऑल्टर करें उन्हें हम साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं और साइकोडेलिक ड्रग्स को हम हेलुसिनोजेंस भी कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है इसी से पता चल रहा है कि ये ड्रग्स किस तरह का एक्शन हमारे ब्रेन पे लाती होंगी. हेलुसिनेशन कॉज करती हैं ये ड्रग्स, भ्रम पैदा करती हैं, कुछ इस तरह की ब्रेन के ऊपर इस तरह के इफेक्ट आते हैं कि भ्रमित हो जाता है वह पर्सन. तो इस तरह की ड्रग्स को हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं. और कैनबिनॉइड्स, एलएसडी, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं, इन्हें सब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले साइको एक्टिव ड्रग्स को डिस्कस करेंगे. तो ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये ड्रग्स नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं, या तो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव कर देगी या इनकी फंक्शन को सप्रेस कर देगी. तो ऐसी ड्रग्स को हम साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं. और सेडेटिव्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. ये सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर्स हैं. अब नाम से ही इनका फंक्शन समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगी, सप्रेस करेंगी और एक कामनेस की फीलिंग लेके आएंगी, रिलैक्सेशन की फीलिंग लेकर आएंगी. लेकिन अगर इनकी डोज ज़्यादा हो जाए तो ये स्लीप भी इंड्यूस कर सकती हैं. और एनसीईआरटी में ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि जितनी भी ड्रग्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, अधिकतर ड्रग्स हमें फ्लावरिंग प्लांट्स से मिलती हैं और कुछ ड्रग्स हमें फंजाई से भी मिलती हैं. अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो सकता है. अधिकतर ड्रग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है, यानी कि एंजियोस्पर्म से मिलती है. ओपिएट नार्कोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओपिएट नार्कोटिक्स हमें पेपरवर्स सोम्निफेरम इस प्लांट से मिलता है. ये फोटो हमने यहाँ पे इस प्लांट की लगाई हुई है. बहुत सुंदर प्लांट होता है इसका, कॉमन प्लांट भी बोलते हैं इसको. और इससे जो हमें ओपियम मिलता है इसमें कई तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, तो कई तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं. और इन एल्कलॉइड्स के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन में, और हमारे जीआई ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं. और ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं और इंटेंस ब्रेन
ताकि फेल कोई कंडीशन से वो बच सके। यहाँ पे एक और हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये पिक्चर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस पॉपी प्लांट का ये फ्रूट है और यहाँ पे कट करके दिखाया है इस फ्रूट को। तो ये आप देखिए यहाँ पे मिल्की सिक्रीशन यहाँ पे ऊज हो रहा है, निकल रहा है, और इसी मिल्की सिक्रीशन से हम ओपिओइड्स को एक्सक्रैक्ट करते हैं। जब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये ड्रग्स मेडिसिन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, मेडिसिन की फॉर्म में भी की जाती है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया है हमने मॉर्फिन, ये एक बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर है, और जिन पेशेंट्स पे कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उनको पेन से राहत दिलाने के लिए ये नारकोटिक यूज होता है। और उसी तरह से कोडीन, ये एक नारकोटिक है जिसे हम जो कफ सीरम्स होती हैं उनमें हम यूज करते हैं। कफ सीरप अगर घर में हो आप प्रिस्क्रिप्शन देखिए तो उसमें कोडीन ही लिखा होता है, कोडीन होता है इन कफ सीरप्स में। तो क्योंकि कफ जब बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ा पेनफुल सेंसेशन होता है थ्रोट में, तो उस पेन से तुरंत राहत मिल जाती है इन कफ सीरप्स को कंज्यूम करने के बाद। लेकिन कुछ ड्रग्स केवल और केवल कमर्शियल पर्पज से कुछ सिंथेटिक ड्रग्स बना दी गई हैं, जैसे यहाँ पे हेरोइन एक एग्जांपल मेंशन किया है, इसे हम स्लैब भी कहते हैं, और ये मॉर्फिन में कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है मॉर्फिन में, और इसे अब मॉडिफाइड फॉर्म को हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, और ये सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक फॉर्म हो गई है, और इसे कमर्शली केवल अब्यूज करने के लिए इस ड्रग को कंज्यूम किया जाता है। अब हम स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये नर्वस सिस्टम को और एक्टिव कर देती हैं, अलर्टनेस बढ़ाती हैं, वेकफुलनेस बढ़ाती हैं, और एक्साइटमेंट भी उस पर्सन में बढ़ाती हैं। तो हम तीन कैटेगरी के स्टिमुलेंट्स डिस्कस करेंगे, कैफीन, कोकेन इसे कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं, और बढ़ाता है, लेकिन ये बहुत माइल्ड स्टिमुलेंट होता है, तो इसको कंज्यूम किया जाता है। और फिर कोकेन जिसे हम कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं, जिसे हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, और ये कोका प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक नेटिव प्लांट है। तो इस प्लांट से हम इस एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और देखिए ये हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है उसको समझ लेते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसमिशन जो होता है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है, तो उसमें जो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो उनमें से एक न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामिन। तो इस डोपामिन के अपटेक को ये इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से ये जो डोपामिन, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। और इस डोपामिन का जो एक इफेक्ट होता है, एक जो फीलिंग है, यूफोरिया की जो फीलिंग है, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, वो बहुत देर तक उस पर्सन में बनी रहती है। तो उस यूफोरिया की फीलिंग के लिए लोग इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मैंने एक नर्वस सिस्टम पे एक का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जो बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है उसे गहराई से समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में न्यूरो ट्रांसमीटर के अपडेट के बारे में बात की है कि न्यूरो ट्रांसमीटर जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है उसके बाद वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से हटाया भी जाता है इन अ नेचुरल वे। तो इसी प्रोसेस को ये जो ड्रग है ये इंटरफेयर करती है, इसको नहीं होने देती है न्यूरोट्रांसमीटर के अपटेक को, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट से उसको हटाया जाने वाले प्रोसेस को ये ड्रग नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस की फीलिंग, यूफोरिया की फीलिंग उस पर्सन में बहुत देर तक बनी रहती है। नेक्स्ट स्टिमुलेंट्स हैं एम्फेटामिन्स, ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं और इन्हें हम कॉमनली पेप पिल्स भी कहते हैं या एंटी स्लीप पिल्स भी कहते हैं, और ये स्टिमुलेंट हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका मतलब ये
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स हैं और अलर्टनेस को बढ़ाने वाली ड्रग्स हैं। और एथलीट्स इन ड्रग्स को बहुत कंज्यूम करते हैं अपने अलर्टनेस का लेवल बढ़ाने के लिए, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। इस वजह से एम्फेटामिन्स डोप टेस्ट में ज़रूर एक बार देखा जाता है। जिस एथलीट पर शक होता है कि इसने कुछ ड्रग कंज्यूम करी है, तो जो टेस्ट उनके ऊपर होते हैं उन्हें डोप टेस्ट कहते हैं। तो उनमें से बहुत सारी ड्रग्स के लिए इनका ब्लड का टेस्ट होता है और उनमें से एक ड्रग एम्फेटामिन्स ही होती है। और जो नाइट वर्कर्स होते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए जो रात में ट्रक चलाते हैं, तो नाइट वर्कर्स भी इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अलर्टनेस के लिए। अब हम साइकेडेलिक ड्रग्स की बात करेंगे, हेलुसिनेशंस भी बोलते हैं इनको। तो ये बात मैं आपको बताई चुकी हूँ, ये हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं ब्रेन में। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने कैनबिनॉइड्स का दिया है, और ये जो ड्रग्स हैं कैनबिनॉइड्स, ये हमें कैनबिस सैटिवा नाम के प्लांट से मिलती है। इनका जो इनफ्लोरेसेंस होता है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब आप ज़रूर जानते हैं, जो फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कैनबिस सैटिवा नाम के प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से इन ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब नाम आपने सुने होंगे, तो ये सब कैनबिनॉइड्स की कैटेगरी में आती हैं ये ड्रग्स। और धतूरा, ये नाम भी आपने जरूर सुना होगा, तो ये भी हेलुसिनोजेंस की कैटेगरी वाली ड्रग्स हैं, भ्रम पैदा करने वाली ड्रग्स। साइकेडेलिक ड्रग्स के कुछ और एग्जांपल्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे मेस्कलीन। तो ये भी एक एल्कलॉइड है जिसे हम कैक्टस से ऑब्टेन करते हैं, कैक्टस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैक्टस का नाम है लोकोफोरा विलियमसाई। और दूसरी एक और ड्रग है लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड्स, एलएसडी बोलते हैं इनको। और ये ड्रग्स हम एक फंजाई से ऑब्टेन करते हैं, और ये फंजाई क्लैडिसेप्स परक्यूरी है, और ये एक राई प्लांट का पैरासाइट है। मोस्टली फंजाई पैरासाइट्स ही होती हैं, तो राई प्लांट पर उगने वाला ये पैरासाइट है क्लैडिसेप्स परक्यूरे, और इससे हम एलएसडी ऑब्टेन करते हैं। बहुत पावरफुल हेलुसिनोजन है, बहुत खतरनाक ड्रग है ये। अगर ओवरडोज हो जाए तो ये सीएनएस को सीवियरली डैमेज तक कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोबैको, और टोबैको को हम निकोटिना टोबैको नाम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी जो ड्राइड लीव्स होती हैं उससे हम ऑब्टेन करते हैं, और इसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है निकोटिन। और ये जो निकोटिन है ये एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है। और रिकॉल कीजिए, इस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। इनको हम इमरजेंसी हॉर्मोन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन निकोटिन नाम का जो ये जो सब्सटेंस है, यह अननेसेसरी एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है, और ये दोनों हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है। और टोबैको च्यूइंग, जो तंबाकू खाते हैं, तो टोबैको च्यूइंग को हम ओरल कैंसर से एसोसिएट करते हैं। टोबैको स्मोकिंग को हम कैंसर ऑफ लंग से एसोसिएट करते हैं। कैंसर ऑफ लंग मतलब ये हुआ कि हम जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनमें लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी तरह से फिर ब्रोंकाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। एम्फाइसीमा एक कंडीशन होती है जिसमें जो लंग की जो एल्विओली हैं वो डैमेज होती हैं इस कंडीशन में, और हार्ट डिजीज़ होती है। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो टोबैको है ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब अननेसेसरी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा, तो हार्ट पे डेफिनेटली एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर एक एक्सर्शन बढ़ेगा हार्ट के ऊपर, जिससे कई तरह की हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो टोबैको स्मोक होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को आप रिकॉल कीजिए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन को हमारी बॉडी में कम करेगी, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये ऑक्सीजन के साथ कंपीट करती है, और हीमोग्लोबिन फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन
है ऑक्सीजन को कैरी ना करके अब कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करता है। तो इस तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता है और ये सीरियरी मूवमेंट भी इम्पेयर करता है। ये जो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल होते हैं टोबैको में, ये ट्रैकिया और फेलोमिन के सीरियरी मूवमेंट को भी इम्पेयर करता है। तो जब अगर सीरियरी मूवमेंट, अब ट्रैकिया का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, हमने ये सब बातें बताई हुई हैं अपने वीडियोस में। तो ट्रैकिया में की जो लाइन होती है उसमें सीरिया होते हैं। अब इन सीरिया का क्या फंक्शन है कि ये जो डस्ट लेडन जो म्यूकस होता है उसको ट्रैकिया की लाइनिंग से बाहर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ ये फीड करते हैं और ट्रैकिया की लाइनिंग को क्लीन करते हैं। लेकिन अगर ये सीरियरी मूवमेंट हैम्पर हो जाएंगे, ये सीरियरी मूवमेंट अफेक्ट होंगे किसी केमिकल की वजह से, तो अब ये म्यूकस अच्छी तरह से ट्रैकिया से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है। और फीमेल्स के केस में जो फेलोपियन ट्यूब होती है, इस फेलोपियन ट्यूब पर भी सीरिया होते हैं, तो इन सीरिया का मूवमेंट भी हैम्पर होता है टोबैको स्मोकिंग से। और अगर फेलोपियन ट्यूब का सीरियरी मूवमेंट अगर इम्पेयर हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये आगे की स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है, और किस तरह से होती है, क्यों होती है, ये सारी बातें हमने आगे की स्लाइड में हमने एक्सप्लेन की। नॉर्मल केसेस में एम्ब्रियो को यूट्रस के इन रीजन्स में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन इन रीजन्स में इम्प्लांट ना होके अगर एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है या सर्विक्स में इम्प्लांट हो गया है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हुआ है तो इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी, और सर्विक्स में अगर इम्प्लांट हो गया है तो इसे सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत से कारण होते हैं। सिगरेट स्मोक को एक्टोपिक प्रेगनेंसी से एसोसिएट किया जाता है क्योंकि सिगरेट स्मोक में एक केमिकल होता है निकोटिन, जो फेलोपियन ट्यूब के सीलिया को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस तक एक हफ्ते के अंदर नहीं आ पाएगा और उसका जोना पेलोसिडा फेलोपियन ट्यूब में ही डिसअपियर हो जाएगा और यह एम्ब्रियो अब फेलोपियन ट्यूब में ही अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, जैसे यूटेराइन लाइनिंग का इन्फ्लामेशन, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब की कोई प्रीवियस सर्जरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना किया गया तो यह उस फीमेल के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन के रिलीज को भी
प्लेट से वाटर रीअब्सॉर्ब कराने का फंक्शन होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन का। तो जब यह हार्मोन नहीं होगा बॉडी में, जब यह हार्मोन ब्लड में नहीं होगा, किडनी तक नहीं पहुंचेगा, तो अब यूरिन में वाटर लॉस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बॉडी में अब डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, क्योंकि बहुत सारे पानी का लॉस यूरिन के थ्रू हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन कॉज करता है अल्कोहल। और एक अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल अल्कोहल को कंज्यूम करती है, तो जो एम्ब्रियो जो उसके यूट्रस में डेवलप हो रहा है, तो कई तरह के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने के चांसेस हैं, जिनको कलेक्टिवली हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम होने की वजह से ये एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं उस एम्ब्रियो में, तो कलेक्टिवली इस कंडीशन को हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन इन ड्रग्स को मिसयूज करते हैं या अब्यूज करते हैं, और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर की तरह उन्हें कंज्यूम करते हैं। इस बहुत हैवी वर्कआउट करने के बाद जब मसल्स में पेन होता है, तो उससे राहत के लिए ये एनाल्जेसिक्स का यूज करते हैं, और फिर एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। ये स्टेरॉइड्स अधिकतर मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, और ये मसल्स का कॉन्टेंट बॉडी में बढ़ाते हैं, मसल बिल्डिंग में ये स्टेरॉइड्स हेल्प करते हैं, क्योंकि इन स्पोर्ट्स पीपल को मस्कुलर स्ट्रेंथ को चाहिए स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अग्रेसिवनेस चाहिए, मेंटल अलर्टनेस चाहिए। तो इन सबको ये कभी कभी अननेचुरल तरीके भी अडॉप्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए बॉडी में, और ऐसा रिजल्ट फिर साइड इफेक्ट भी इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जो फीमेल एथलीट्स हैं, जब ये ऐसे एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करती हैं, तो इनमें मेल लाइक फीचर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बॉडी, इनका अग्रेसिवनेस बढ़ता है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे जो साइड इफेक्ट हैं वह बॉडी में देखने को मिलते हैं। और जो मेल इनको यूज करते हैं, बहुत हाई डोजेस भी यूज करते हैं, तो उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अग्रेसिवनेस बढ़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुश हैं और कभी किसी बिना बात के गुस्सा है, बिना बात के डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनका जो जो टेस्टिकल्स हैं, जो टेस्टिस है, उनके साइज रिड्यूस होता है, स्पर्म काउंट भी रिड्यूस होता है, किडनी पे बहुत प्रेशर पड़ता है, किडनी पे एक अननेसेसरी बॉडरेशन पड़ता है किडनी का, जिसकी वजह से किडनी और लिवर डिसफंक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के साइड इफेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन में देखते होते हैं जब ये ड्रग अब्यूज करते हैं। शेकिंग होती है, नॉज
और वहाँ पर इनको एक पर्टिकुलर तरीके से इनकी ड्रग को छुपाया जाता है, इनकी डिपेंडेंसी कम करी जाती है, धीरे धीरे डोज कम करी जाती है। अगर अचानक से ड्रग लेना बंद कर दें तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी एकदम से नहीं झेल पाएगी उसकी एब्सेंस को, उस ड्रग की एब्सेंस को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और कई तरह